हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछले टॉपिक में हमने T1 के कुछ चैप्टर्स के लेक्चर्स यहां हमने कंप्लीट किए, लेकिन आज का जो लेक्चर है क्लास 8 के लिए मैथ्स का, वो है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में हमने वेकेशन में पहले दो चैप्टर्स खत्म किए थे, लेकिन दूसरे चैप्टर की जो कुछ एक्सरसाइज है, एक ही डेढ़ एक्सरसाइज है, वो हम आज से शुरू करेंगे। पहली और दूसरी एक्सरसाइज मेंस्ट्रुएशन की है, वो हमने खत्म की थी, तो आज हम शुरू करेंगे 10.3 से। तो 10.3 का जो पहला क्वेश्चन है, बुक आप सामने रखिए, नोट्स भी आप सामने रखो, ताकि आपको इजी लगे और अंडरस्टैंड भी हो जाए कि सर यहां पर क्या पढ़ा रहे हैं। तो इसका जो पहला वाला क्वेश्चन है वो है, देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस। क्यूबॉइडल बॉक्सेस ये दो है, दोनों को क्यूबॉइडल बॉक्सेस बोलते हैं, लेकिन एक है क्यूब और दूसरा है क्यूबॉइड। दोनों के फेसेस 6-6 फेसेस है, लेकिन क्यूब होता है जो हम सांप सीढ़ी खेलते थे ना बचपन में, उसमें वो डाइस होता है, वो होता है क्यूब, क्योंकि उसके जो 6 फेस है वो इक्वल होते हैं और हर कोई फेस जो होता है वो स्क्वायर की शेप में होता है। इसके बाद जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड होती है ईंट, जो ब्रिक होती है ना जिससे हम घर बनाते हैं, उसकी शेप होती है क्यूबॉइड, उसके भी 6 फेस होते हैं, लेकिन उसके अपोजिट फेस क्या होते हैं, इक्वल। तो क्वेश्चन में है, देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस ए शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। साइड फिगर में मेजरमेंट्स भी वहां पर इसने दिए हैं, क्यूब का भी और क्यूबॉइड का भी। तो हमने बोलना है विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मैप। हमने बोला है दोनों में से किसका सबसे कम मटेरियल यूज हुआ, तो मटेरियल यूज हुआ वो हम कैसे पता चलेंगे, तो दोनों का हम क्या निकालेंगे, एरिया। तो पहले हम एरिया निकालेंगे क्यूब का, और इसके बाद किसका निकालेंगे, क्यूबॉइड का। तो एरिया ऑफ क्यूब जो है वो है 6a² और जो ये a है ये डिनोट होता है साइड, a क्या डिनोट होता है साइड, 6 हुआ इंटू a हुआ साइड, किसका क्यूब का, क्यूब का साइड है 50 सेंटीमीटर और है स्क्वायर। तो 6 हुआ इंटू 50 कितनी बार मल्टीप्लाई है, दो बार, वो हुआ 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 × 2500 कितना हुआ, वो हुआ 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ जो एरिया है किसका, क्यूब का, वो निकला 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद है क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड का एरिया हम निकालेंगे। अब एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, 2 ही हुआ लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तीनों यहां पर फिगर में क्या है गिवन है। तो लेंथ कितनी है 60 सेंटीमीटर इंटू ब्रेड्थ कितनी है 40 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ है 40 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितनी है 50 सेंटीमीटर प्लस हाइट है 50 सेंटीमीटर इंटू लेंथ कितनी है 60 सेंटीमीटर। तो अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, 60 × 40 कितना हुआ 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 40 × 50 कितना हुआ 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 50 × 60 कितना हुआ 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 ही हुआ इंटू, इन तीनों का आप पहले प्लस कीजिए, 2400 + 2000 + 3000 कितना हुआ, वो हुआ 7400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7400 का मल्टीप्लाई जो है वो क्या है 2, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, वो बना 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकला एरिया किसका, क्यूबॉइड का, क्यूब का एरिया कितना है 15000 और जो क्यूबॉइड का एरिया है वो कितना है 14800। तो दोनों में से किसका एरिया कम है, ऑब्वियसली किसका है, क्यूबॉइड का। तो इसका मतलब है क्यूबॉइड का एरिया कम है किससे, क्यूब से, तो क्यूबॉइड का मटेरियल भी कम यूज होगा किससे, क्यूब से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है, A suitcase with measures 80, 48 and 24 centimeter. एक सूटकेस है जिसका मेजर है 80,
48 and 24 सेंटीमीटर। सूट केस वो होता है जिसमें हम घर में कपड़े वपड़े रखते हैं, तो उसकी शेप भी बिल्कुल क्या होगी, क्यूबॉइडी होगी, क्योंकि सूट केस के भी कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। तो पहले हम यहां पर बनाएंगे सूट केस की शेप क्यूबॉइड जैसी होती है। ये मान लीजिए आप ये सूट केस है, लेकिन सूट केस की जो शेप है वो है क्या, वो क्यूबॉइड वाली शेप है। इसकी जो लेंथ है, उसकी जो लेंथ है वो है 80 सेंटीमीटर, उसकी जो ब्रेड्थ है वो है 48 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो है 24 सेंटीमीटर। मैं फिर से रिपीट करूंगा, हमारे पास एक सूट केस है, सूट केस की जो शेप है वो बिल्कुल क्यूबॉइड जैसी होती है। हर किसी के घर में मौजूद सूट केस होगा, आप देख सकते हो कि उसकी शेप कौन सी है, क्यूबॉइड। उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों वहां से दी है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टॉरप्लेन विड 96 सेंटीमीटर, हमें कितनी मीटर्स की जरूरत है, लेकिन किसके मीटर्स की, टारप्लेन क्लोथ, ये एक किस्म का कपड़ा होता है, मोटा कपड़ा होता है, हमें कितने मीटर्स की जरूरत है, जबकि उसकी विड्थ जो है वो कितनी है, 96 सेंटीमीटर, तो इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 साइज सूटकेसेस। हमने बोला है कि उसकी लेंथ क्या होगी कपड़े की, जिस कपड़े से हम इस जैसे 100 सूटकेसेस को हम डांप सके बाहर से। तो पहले हम देखेंगे, इजी है, जिस चीज को भी हम किसी से डांपते हैं वो भी, वो जिससे डांपते हैं वो भी शेप लेता है, वही जो शेप किसकी होगी, उस चीज की जो हम डांपते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम घर में सूटकेस को कपड़े से डांपेंगे बाहर से, उसको बिल्कुल चारों के और 6 साइड से डांपेंगे, तो बिल्कुल उसकी भी शेप क्या बनेगी, उसकी भी शेप बिल्कुल बनेगी, कौन सी शेप, क्यूबॉइड की शेप। तो इसका मतलब वहां पे हम एक, हमें निकालना है 100 सूटकेस का, पहले हम निकालेंगे 8 सूटकेस का, एक का कितना एरिया है, जितना एक का होगा दूसरे का भी इतना ही होगा, तीसरे का भी इतना ही होगा, फिर हम 100 का आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले आप निकालो किसका, एक का, तो एक का हम निकालेंगे एरिया ऑफ सूटकेस, सूटकेस की शेप में है वो क्यूबॉइड की शेप में है, तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल होता है, ट्वाइस लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। तो अब आप वैल्यू यूज कीजिए, 2 2 ही हुआ, लेंथ कितनी है उसकी 80 इनटू ब्रेड्थ कितनी है 48 प्लस ब्रेड्थ है 48 इनटू जो हाइट है वो है 24 प्लस हाइट जो है 24 इनटू जो लेंथ है वो है 80। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, 80 into 20 48, वो हुआ 3840 प्लस 48 into 24 हुआ 1152 प्लस 24 into 80 जो है वो हुआ 1920। तो अब आप इन सबको प्लस कीजिए, इन तीन को 3840 प्लस 1152 प्लस 1920, वो निकलेगा 6912 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में नहीं लिखता हूं क्योंकि जगह कम है, तो आप खुद मान लीजिए कि लास्ट में एरिया किस में निकलता है, स्क्वायर में। तो 6912 जो है उसको मल्टीप्लाई किसे करना है, 2 से, तो 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 9 आर 18, 2 6 आर 12 और है हो गए 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया निकला किसका, एक सूटकेस का। हमारे पास कितने सूटकेस है, 100, तो दूसरे का भी इतना ही होगा, तीसरे का भी इतना ही होगा, तो 100 हम मल्टीप्लाई लगाएंगे आराम से इसको, तो एरिया ऑफ 100 साइज सूटकेसेस, तो 100 का कितना हुआ, 100 मल्टीप्लाई करना है 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू करेंगे क्या 100, तो 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया निकला कितने, 100 सूट केसेस का, लेकिन ये जो 100 सूट केस है इनको हम डांपते हैं किससे, एक कपड़े से, वो कपड़ा जिसकी विड्थ कितनी है, विड्थ और ब्रेड्थ एक ही होती है, 96 सेंटीमीटर।
तो वो जो कपड़ा है जो हम 100 सूट केस को बाहर से लगाते हैं, इसका मतलब हुआ जब 100 सूट केस का एरिया इतना है 30,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब हुआ ये एरिया होगा किसका, टार्पलेन क्लोथ का भी एरिया इतना ही होगा। तो एरिया ऑफ टार्पलेन, एरिया ऑफ टार्पलेन, टार्पलेन की शेप जो है वो होती है रेक्टेंगल, होती है रेक्टेंगल, उसका एरिया भी कौन सा वाला एरिया होगा जो 100 सूट केस का निकला, वो निकला 1,38,2,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ टार्पलेन, टार्पलेन की शेप में है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जो भी कपड़ा हम दुकान से लाते हैं ना उसकी शेप बिल्कुल कौन सी शेप होती है, वो रेक्टेंगल वाली शेप होती है। तो एरिया ऑफ टार्पलेन कश्मीर में हम जो बोलते हैं इलिस्थान ना कपर थान वन कथ पे दुकान पे खोलान ना सू बिल्कुल शेप शेप रेक्टेंगल मगर तक विड़थ जेठ वो होती है लेंथ, वो हमने निकालनी है लेकिन उसकी जो विड़थ है ब्रेडथ वो है 96 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ टार्पलेन जो है रेक्टेंगल की शेप में वो है इतना, बट एरिया ऑफ टार्पलेन, टार्पलेन क्या है रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस इक्वल है लेंथ इंटू ब्रेडथ इज इक्वल टू कितना है 1,38,2,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ हमें निकालनी है, लेंथ ही है इंटू ब्रेडथ, ब्रेडथ कितने है वहां से, ब्रेडथ और विड्थ एक ही होती है वो है 96 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1,38,2,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 96 क्या है एल का मल्टीप्लाई, तो यह क्या आ जाएगा इसका डिवाइड, तो एल इज इक्वल टू 1,38,2,400 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड होगा 96 सेंटीमीटर। कैंसिलेशन करके जब आप कैंसिलेशन करोगे वो निकलेगा लेंथ इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लेंथ है किसकी, टार्पलेन क्लोथ की जो लेंथ होगी वो होगी 144 सेंटीमीटर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थ्री। अब जो क्वेश्चन नंबर थ्री है, क्वेश्चन नंबर थ्री है फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हूज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है वो है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया है किसका, क्यूब का, वो कितना है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या निकाला है फाइंड द साइड, हमने साइड निकाला इसका, साइड क्या है, बट एरिया ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है 6a स्क्वायर। ए मैंने पहले ही बोला है, ए डिनोट होता है क्या साइड, इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्यूब है 6a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए हुआ इज इक्वल टू 6, इसका जो कि मल्टीप्लाई था तो यहां क्या हो जाएगा डिवाइड, सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा 6 वन आर और 6 100 आर हुआ 600। तो ए स्क्वायर जो है वो कितना हुआ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए स्क्वायर ही हुआ इज इक्वल टू 100 किसका स्क्वायर रूट है, जैसे कि 1 स्क्वायर 1 हुआ, 2 आर 4 वो स्क्वायर रूट है, 3 आर 9, इसी तरह 100 किसका है 10 का, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो ए जो है वो निकला 10 सेंटीमीटर। ए डिनोट होता है क्या साइड, तो इसका मतलब जो साइड है किसका क्यूब का वो कितना होगा 10 सेंटीमीटर, उसका हर साइड 10 सेंटीमीटर होगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टॉप में होगा, हैव अ नाइस डे।